हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी नोज सर्जन। दोस्तों, बहुत दिनों से हम राइनोप्लास्टी के बारे में डिस्कशन करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, रिवीजन राइनोप्लास्टी। क्या है ये रिवीजन राइनोप्लास्टी? मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स के कॉल आते हैं, बट दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले अनेक ईएनटी और राइनोप्लास्टी से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, रिवीजन राइनोप्लास्टी, सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्या है। अगर राइनोप्लास्टी के लिए जो दोस्तों टर्म जो हम यूज में लेते हैं, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होती हैं। एक प्राइमरी राइनोप्लास्टी होता है, एक सेकेंडरी राइनोप्लास्टी, एक रिवीजन। अगर हम अप टू डेट मेडिकल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो दोस्तों, एक प्राइमरी राइनोप्लास्टी, दैट मीन्स एक पेशेंट जिसकी पहले कभी सर्जरी नहीं हुई हो और फर्स्ट टाइम सर्जरी हो रही है, दैट इज प्राइमरी राइनोप्लास्टी। ठीक है दोस्तों, सेकेंडरी राइनोप्लास्टी दैट मीन्स एक पेशेंट जिसकी पहले राइनोप्लास्टी सर्जरी हो चुकी और दोबारा उसकी राइनोप्लास्टी कर रहे हैं, दैट इज द सेकेंडरी राइनोप्लास्टी। अब बात आती है दोस्तों, ये रिविजन राइनोप्लास्टी क्या है। दोस्तों, रिविजन राइनोप्लास्टी में भी एक पेशेंट की जो सर्जरी जो है वो पहले सर्जरी हो चुकी, बट बाय द सेम सर्जन, उसी सर्जन ने उसकी पहले सर्जरी की थी और वही सर्जन उसकी दोबारा सर्जरी कर रहा है, दैट इज द रिविजन राइनोप्लास्टी। सो प्राइमरी राइनोप्लास्टी, सेकेंडरी राइनोप्लास्टी एंड रिविजन राइनोप्लास्टी। बट दोस्तों, अमूमन जो सेकेंडरी और रिविजन राइनोप्लास्टी जो यूजुअली जो टर्म्स यूज में ली जाती है, वो एक कॉमनली ली जाती है, पूरे राइनोप्लास्टी सर्जन सेकेंडरी एंड रिविजन डिफरेंट। ठीक है, सो दोस्तों, रिविजन राइनोप्लास्टी में क्या सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे किसी ने सर्जरी कराई एंड वो उस सर्जिकल रिजल्ट से हैप्पी नहीं है, वो उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो उसकी साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। मोस्टली केसेज में क्या है, जेन्युइन प्रॉब्लम भी है कि सपोज करो आपका नोज डेविएटेड था, टेढ़ा है, और सर्जरी के बाद वो पूरा अच्छे से सीधा नहीं हो पाया जो सीधा होना चाहिए था। बहुत बार आपके नोज पे बम्प है और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि बम्प पूरा हटना चाहिए, या वो नहीं हट पाया, या बहुत बार क्या है, रिविजन राइनोप्लास्टी की जरूरत कब पड़ती है कि दोस्तों, जैसे आपने सर्जरी करा ली, यू हैव ए वेरी ब्यूटीफुल नोज, बट आपकी नोज से ब्रीदिंग नहीं हो रहा, क्योंकि गॉड ने तो हमारा नोज ब्रीदिंग के लिए बनाया, आपको ब्रीदिंग नहीं हो रही, तो हमें क्या है, रिविजन राइनोप्लास्टी की जरूरत होती है। सो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण रिविजन राइनोप्लास्टी की जरूरत होती है, कि हमारे रिजल्ट से हम सेटिस्फाई नहीं है, वो जेन्युइन या जो भी प्रॉब्लम है। दोस्तों, रिविजन राइनोप्लास्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, कि मेरे को मेरी रिविजन राइनोप्लास्टी कब करानी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमें प्लास्टर 10 दिन बाद हटते ही क्रिएट हो जाती है कि मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूं, या मेरे को वापस कराना है, हमें दिमाग में बैठ गई, बट हमें कब कराना चाहिए। दोस्तों, अगर समय की बात करते हैं तो, क्योंकि जो राइनोप्लास्टी है, जब भी कोई सर्जन करता है तो अमूमन अगर हम पूरा इसका फाइनल रिजल्ट आने का समय तो हम अगर देखते हैं तो 18 महीने यानी करीब 1.5 साल का टाइम होता है, जब नोज का फुली चेंजेज हो जाता है एंड उसके बाद कोई चेंजेज नहीं होता। आई थिंक 18 मंथ तक तो हमें वेट करना चाहिए, उसके बाद ही रिविजन राइनोप्लास्टी का डिसीजन लेना चाहिए। कुछ चीजें दोस्तों ऐसी होती हैं कि जैसे हमने सर्जरी कराई और बाकी सारी चीजें हमारे नोज में एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, बट कोई ग्राफ्ट किसी सर्जन ने कहाँ लगाया है या कुछ ऐसी माइनर प्रॉब्लम है, वो हम 5 या 6 महीने तो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार दोस्तों हमारे सामने ऐसी भी रिविजन राइनोप्लास्टी आती हैं कि जैसे किसी पेशेंट ने इम्प्लांट डलवाया है, आर्टिफिशियल इम्प्लांट डलाया है। हमारे देश में बहुत कम आर्टिफिशियल इम्प्लांट लेते हैं, लेकिन जैसे कोरिया और ऐसे कंट्रीज में वो बहुत बार क्या है कि चोट के कारण या इन्फेक्शन के कारण वो जब इम्प्लांट निकाला जाता है तो उसके कारण हाथों हाथ उसकी जो राइनोप्लास्टी सर्जरी की जाती है, वो भी एक रिविजन राइनोप्लास्टी है। दोस्तों, रिविजन राइनोप्लास्टी में ध्यान देने योग्य बात एक और है कि इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो प्राइमरी राइनोप्लास्टी के जैसे तुरंत नहीं आते। ये सर्जन के लिए भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज होती है कि रिविजन राइनोप्लास्टी करना मोर डिफिकल्ट है प्राइमरी राइनोप्लास्टी।
उसका एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होता है, उसको करना भी डिफिकल्ट होता है, उसके रिजल्ट्स भी जो है वो प्राइमरी से कम आते हैं। इसलिए सर्जन के लिए तो उसमें ये होता है कि वो बहुत अच्छे से हमारे पेशेंट की काउंसलिंग करें, एंड पेशेंट के लिए ये है कि हमें पेशेंस रखना है कि मेरे रिजल्ट में वो टाइम लगेगा। और अगर आपको रिविजन राइनोप्लास्टी करानी है तो दोस्तों आपको कम से कम 3 या 4 कंसल्टेशन हमारे आपके जो राइनोप्लास्टी सर्जन है उससे लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो एक बार गलती आपको हुई वो कहीं दोबारा वो गलती कर बैठे। उस सर्जन का एक्रेडेशन आपको देखना चाहिए, उसके पहले जैसे सर्जरी किए हुए पेशेंट्स का टेस्टिमोनियल्स देखना चाहिए, पिक्चर्स देखने चाहिए, उसका एक्रेडेशन देखना चाहिए, उसका तजुर्बा देखना चाहिए, जिससे दोस्तों जो प्रॉब्लम आपको पहले थी वो वापस नहीं हो, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे से राइनोप्लास्टी सर्जन का चुनाव करते टाइम देखना चाहिए। हो सकता है कि प्रीवियस सर्जन ने जो आपकी सर्जरी की थी वो उस टाइम पे वो पेशेंट उसके कंफर्ट जोन में नहीं था। अगर वो उसके कंफर्ट जोन में अगर पेशेंट होता तो उसके रिजल्ट्स पूरे अप टू डेट परफेक्ट आते। इसलिए जो नेक्स्ट जो सर्जन जिसे हम ऑपरेट करा रहे हैं वो तो एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा है, एंड वो अप टू डेट आपको जो है नियर अप टू डेट कम से कम आपको रिजल्ट दे सके। सो दोस्तों ये है रिविजन राइनोप्लास्टी, जिसमें बहुत सारी चीजें जो हमें ध्यान देने योग्य बात होती हैं, और रिविजन राइनोप्लास्टी कराने से पूर्व सारी चीजें हमें अच्छे से सोच समझ के एंड उचित समय पे रिविजन राइनोप्लास्टी का जो है वो डिसीजन लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स आई थिंक रिगार्डिंग दिस रिविजन राइनोप्लास्टी दिस इन्फॉर्मेशन इज डेफिनेटली यूजफुल फॉर यू, एंड यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रिविजन राइनोप्लास्टी इन द सोसाइटी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपका कोई भी रिविजन राइनोप्लास्टी से रिगार्डिंग सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। थैंक यू।